अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल बी यूनिक। आज हम आप सबके लिए छोटी सी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो लेके आए हैं, लेकिन ये ड्रेस डिज़ाइनिंग फॉर मदर एंड डॉटर हैं। डॉटर्स के भी सेम ड्रेसेस हैं और मदर के भी, बस थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया है हमने। हो सकता है आपने ये ड्रेसेस पहले भी देखे हों हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर, बट ये उन्होंने थोड़ा सा कस्टमाइज़ करवाया है जिसका ये ऑर्डर है, तो मैं आपको शो करना चाहती हूँ कि आप देखें। अगर आपको भी इस तरह से पसंद आता है तो आप इस तरह भी ऑर्डर कर सकते हैं, वरना आप इस तरह इसे देखकर अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग का आइडिया भी कर सकते हैं। तो चलें हम फर्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं। तो हम सबसे पहले ये मदर का ड्रेस देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपको मैं बता दूं कि उन्होंने कलर भी कस्टमाइज़ करवाया है और इसके ट्राउज़र भी कस्टमाइज़ करवाए हैं। तो इसका जो गला है वो नेक लाइन आप देख लें, ये पीछे से सारी आते हुए यहाँ स्टिच की गई है बहुत ही खूबसूरती से। ये मिडल में इसके कपड़ा भी लगाया है, वाइट लेसेस से हमने इसको अटैच किया है। देखें ये गला बहुत ही खूबसूरत लगता है इसको जब आप पहनते हैं। और दूसरी बात ये इसके बाजू देखें, एक क्रॉस वाली इसमें लैस दी गई है वो भी वाइट ही कलर की है, और देन तीन प्लेट्स दिए गए हैं सिंपल इसी कलर की सिलाई के साथ, और फिर वाइट लैस लगाई गई है लूप्स वाली जैसे गले पे लगाई है। और ये बाजू के अंदर देखें कितनी खूबसूरती से इसकी फिनिशिंग की गई है। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप अपने ड्रेस की फिनिशिंग कैसे करते हैं, उससे ही नीट लुक आती है। अब ये देखें कि इसके अंदर बाजू में वाइट कपड़ा लगा के बाइंडिंग की गई है, बाद में इसकी तरपाई की गई है, इसे भी सिलाई से नहीं लगाया गया ताकि ये नीट लगे। तो जब बाजू अंदर से या साइड से नज़र आती है तो वो बहुत ही नीट लुक आती है। आप देख सकते हैं कि ये ऐसे भी इतनी नीट लग रही है। तो इसकी ये दूसरी बाजू है। अब हम इसके दामन की तरफ चलते हैं। देखें इसका पूरा गला यहाँ पर एंड हो रहा है। ये लार्ज साइज़ की शर्ट थी, अब ये इसका दामन है। तो ये दामन आप देखें, हमने इसके मिडल में कपड़ा डाला है, उस पर यूं तिरछे साइड में प्लेट्स डाले हैं। ये प्लेट्स देखें तिरछी सिलाई के साथ तिरछी साइड में इस रुख डाले गए हैं, और आपको नज़र आ रहे होंगे ये देखें, तकरीबन दो उंगलियों के फासले पर प्लेट है। और उसके बाद ये देखें आप, इसके भी ये क्रॉस वाली लैस दी गई है, जब यहाँ कपड़ा ख़त्म हुआ उसके बाद यहाँ फिर अगेन क्रॉस वाली लैस दी गई है, उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर ये नेक की लैस अटैच की गई है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत लैस है। इसके अंदर का ये वर्क कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप ये देखें कि ये बॉर्डर बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप इस तरह एक प्लेन शर्ट लेके उसको इस तरह से वाइट डिज़ाइनिंग करके उसको स्टिच कर सकते हैं। अब ये देखें आप इसके चौक की भी कितनी खूबसूरती से फिनिशिंग की गई है। इसको हमने वाइट कपड़ा लगाकर बाइंडिंग की है इसकी, ताकि ये फिनिशिंग अच्छी आए और एंडिंग बहुत ही खूबसूरत हो। उसके अलावा ये लैस भी हमने इस तरह ही नहीं छोड़ी, जो ऊपर अलग सा ऊपर हिस्सा आता है इसको इस तरह ही नहीं छोड़ा गया, उसको भी यहाँ पर तरपाई करके लगा दिया गया है ताकि एक नीट और फिनिशिंग वाली लुक आए। ये देखें हमने सिर्फ इतनी लैस शो की है, लेकिन बाकी जो लैस थी हमने उसे कटा हुआ नहीं छोड़ा, या उस तरह ही नहीं छोड़ दिया लटकता हुआ, इसको ऊपर ऐसे बंद करके और इसको फोल्ड करके हमने तरपाई कर दी है। तो ये बाइंडिंग भी आप चारों साइड्स पे देख सकते हैं। इसके दामन पे नहीं की गई क्योंकि लैस थी, बैक के दामन पे भी की गई है वाइट कलर से ही, क्योंकि इसका ट्राउज़र वाइट है। अब मैं आपको इसका ट्राउज़र शो करती हूँ। तो ये है इसकी ट्यूलिप शलवार उन्होंने बनवाई, क्योंकि ये आजकल बहुत ही इन है। वैसे हम इसके साथ ट्राउज़र प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन उन्हें ट्यूलिप चाहिए थी तो उन्होंने ट्यूलिप बनवा ली। तो ये इसका बहुत ही छोटा कट रखा गया है क्योंकि उन्हें बहुत छोटा कट चाहिए था। और उसके अलावा ये देखें इसकी बहुत ज़्यादा खुलाई भी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाली भी नहीं है, नॉर्मल सी है। बहुत ज़्यादा फ्लेयरी बहुत अच्छी नहीं लगती, वो एक लुक इतनी खूबसूरत नहीं आती जितनी सिंपल ट्यूलिप की आती है। इसमें भी प्लेट्स हैं, लेकिन इतने प्लेट डाले गए हैं इसमें कि आपकी टांग फंसे ना या किसी तरह से आपको ये इरीटेट ना करे कहीं से भी। सिर्फ इतनी इसकी खुलाई रखी गई है, और बाद में इसमें ये बेल्ट डाला गया है। ट्यूलिप में बेल्ट ही यूज़ होता है,
और ये देखें ये मिडल में आ रहा है सारा इसका वर्क, और इसके साथ ये लैस अटैच कर दी गई है। लैस के साथ इसकी खूबसूरती और ज़्यादा लग रही है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी इसकी एक लुक आ रही है। अब हम बच्चों के शर्ट्स की तरफ चलते हैं। तो ये शर्ट आप बच्ची की देख लें, ये भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग चेंज की गई है, क्योंकि वो जो डिज़ाइनिंग थी वो एक बड़ी शर्ट की अकॉर्डिंग बनाई गई थी। उस मतलब वो बड़ी ही शर्ट पे अच्छी लगेगी, अगर आप वो डिज़ाइनिंग छोटे बच्चे की ड्रेस पे कर देंगे तो वो ओवर लगेगा। तो ये देखें, सबसे पहले तो ये एक सिंपल सा गला बनाया गया है, उसके बाद यहाँ बटन भी अटैच किया गया है ताकि बच्चों को पहनने में आसानी रहे और इजीली पहना जाए और बाद में बटन बंद कर दिया जाए। ये फिर बाद में इधर भी लैस अटैच की गई है। उसके अलावा ये जो इसकी फट्टी बनाई गई है उस पर भी प्लेट डाले गए हैं। बहुत ही मेहनत से एक एक आर्टिकल तैयार किया जाता है आपको दिखाने के लिए, आपको सेल करने के लिए, या जिस तरह भी ड्रेस होते हैं बहुत ही मेहनत से तैयार किए जाते हैं। तो ये देखें, इस तरफ भी इसके लैस लगाई गई है और इस तरफ भी, और इसके अलावा इस फट्टी पे भी प्लेट्स डाले गए हैं। और ये देखें इसकी बाजू आप देख लें, इसकी बाजू पर भी प्लेट है और बाद में एक लेस है, फिर प्लेट है, और फिर इसके अंदर भी हमने वाइट बाइंडिंग से इसको फिनिशिंग की हुई है। ये नहीं कि बच्ची का ड्रेस है तो इसको आप फिनिशिंग नहीं करें, फिनिशिंग हर चीज़ की ज़रूरी होती है उसको नीट लुक देने के लिए। अब आप इसका बॉर्डर देख लें, इसका बॉर्डर इस तरह से है कि इसमें तीन प्लेट्स हैं और दो लेसेस हैं। तीन प्लेट, एक पहले प्लेट है, फिर लेस है, फिर प्लेट है, फिर लेस है, फिर प्लेट है, उसके बाद थोड़ा सा फासला छोड़ के ये लूप वाली लेस है। तो इसकी भी घेरे पर सेम उसी तरीके से वाइट कलर से बाइंडिंग की गई है ताकि एक नीट लुक आए, और आप देख सकते हैं वीडियो में भी कि ये एक नीट लुक दे रहे हैं आपको भी। देखें जब एकदम से यूँ कपड़ा पीछे हटता है तो ये एक फिनिशिंग वाली लुक आती है और खूबसूरत लगता है। बैक पे भी पूरी बाइंडिंग हुई हुई है और फ्रंट पे भी। अगर आपको ये ड्रेस पसंद है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने अगर खुद बनाना है तो भी, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी आप स्क्रीनशॉट लेके, हम अपना नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें या हमारे बी यूनिक पर इंस्टाग्राम के पेज पर रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसका ट्राउज़र शो करती हूँ, और वो शर्ट भी सेम ही है लेकिन साइज़ कस्टमाइज है, ये छोटी बच्ची का है, वो थोड़ी बड़ी बच्ची का है, तो वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ एक दफ़ा। तो ये थोड़ी बड़ी बच्ची का है, इसका इसकी ये फट्टी में इसका फ़र्क यह है कि इसकी फट्टी थोड़ी लंबी हो गई है। इसमें भी सेम उसी तरीके से हर चीज़ बनाई गई है, प्लेट्स देकर, लेस देकर, और बाजू भी उसी तरीके से बनाई गई हैं। वैसे हमने इसे स्लीवलेस में सेल किया है, उनको बाजू वाली शर्ट्स चाहिए थी तो हमने बाजू भी लगा दिए। कस्टमाइज़ हो जाता है जैसे भी आप चाहें, साइज़ भी कस्टमाइज़ हो जाता है। ये देखें ये बॉर्डर है इसका, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये भी ड्रेस। हमने इसे वैसे येलो कलर पे रेडी किया है लेकिन उन्होंने इसे मस्टर्ड कलर पे रेडी करवाया है। ये मस्टर्ड कलर आपको वीडियो में थोड़ा चेंज दिखा रहा है कैमरा, लेकिन ये असल में बहुत ही प्यारा कलर है मस्टर्ड। येलो भी बहुत ही प्यारा लग रहा है इसमें, और मस्टर्ड भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये कलर बहुत ही खूबसूरत सा एक कलर है, लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो में थोड़ा चेंज आ रहा है। तो आप ये देखें, इसकी ये ट्राउज़र है, बच्चों की भी ट्यूली भी बनवाई उन्होंने। अब जैसे मैंने आपको बताया कि शर्ट का डिज़ाइन भी थोड़ा बड़ा था, तो अगर हम बच्चों के वो डिज़ाइन बनाते तो ओवर हो जाता। अब ये ट्यूलिप का जो डिज़ाइन है वो भी सेम ही है, लेकिन इसमें लैस हमने थोड़ी छोटी लगाई है ताकि ये बच्चों का डिज़ाइन जो है एक बच्चों वाली चीज़ रहे, ओवर ना लगे। ये देखें, ये सारी मिडल में यहाँ पर एंड तक इसकी लैस आ रही है, और देन ये प्लेट्स हैं थोड़े से, ये देखें ऊपर बेल्ट है, ये प्लेट्स हैं, और यहाँ पिछली साइड पे भी थोड़े से प्लेट्स हैं, और ये इसकी आप देख सकते हैं कि ये इसकी टक वाली साइड है जो फ्रंट पे आती है। ये फ्रंट साइड पे आएगी, एक ट्यूलिप होती है साइड पे आती है वो, लेकिन ये फ्रंट पे आएगी। आजकल ये ज़्यादा इन है और ख़ूबसूरत भी लगती है। तो
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए, किस कॉन्सेप्ट पे चाहिए। इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।